हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सेकेंड वन ऑपरेशन यानी कि यूनियंस ऑफ सेट के बारे में। यूनियन का मतलब क्या होता है गाइस? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि ए एंड बी दोनों में कंपलसरी वो एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे क्या होगा कि ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ, यानी कि ए में होगा तो भी चलेगा, बी में होगा तो भी चलेगा, और दोनों में है तो भी चलेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स दोनों में है उसको टू टाइम रिपीट नहीं लिखेंगे, विदाउट रिपीटेशन हम लोग उसको सिर्फ वन टाइम ही लिखेंगे। क्लियर? उसको डिनोट किया जाता है बाय ए यूनियन बी से। क्लियर? ये साइन हमारा जो है वो इंटरसेक्शन का है, उसका मतलब होता है एंड। ये साइन हमारा यूनियन का है, उसका मतलब होता है और। क्लियर? देखते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। हमारे पास कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वन है ए सबसेट ए यूनियन बी एंड बी सबसेट ए यूनियन बी। इट मींस कि गाइस, यूनियन के अंदर ए भी होगा और बी भी होगा। इट मींस कि जो पर्टिकुलर इवेंट है वो यूनियन का सबसेट हो जाएगा, और ए भी उसका सबसेट होगा एंड बी भी उसका सबसेट होगा। क्लियर? अगर आप फाइंड करते हो कि ए यूनियन फाइव, तो उसका आंसर भी आपको क्या मिलने वाला है, ए, क्योंकि हम लोग सारे एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। अगर आप फाइंड करते हो ए यूनियन ए, इट मीन्स कि सेम ही इवेंट के अगर आप यूनियन फाइंड करते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, ए। फिर नेक्स्ट वन है कि अगर आप फाइंड करते हो ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम। इट मीन्स कि ऑर्डर यहाँ पे मैटरेबल नहीं है। अगर आप पहले ए को कंसिडर करोगे फिर बी को कंसिडर करोगे, और या तो फिर पहले बी और फिर ए को कंसिडर करोगे, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ डे आपको आंसर कैसे मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। क्लियर? और उसको सेम एज इट इज़ हम लोग क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। फिर है अगर आप ए यूनियन बी का एसोसिएशन करके सी के साथ यूनियन करते हो, या तो फिर बी यूनियन सी का एसोसिएशन करके ए के साथ अगर आप एसोसिएशन करते हो, तो भी दोनों का आंसर कैसा आने वाला है गाइज, सेम आने वाला है। क्लियर? फिर है ए यूनियन बी इज इक्वल टू फाइव। ए यूनियन बी का मतलब गाइज क्या होगा कि जितने एलिमेंट्स हैं वो सब हम लोग ले लेते हैं। अगर वो सारे एलिमेंट्स में भी कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि यूनियन ही हमारा फाइव है, तो ए भी हमारा फाइव होगा और बी भी हमारा फाइव होगा, क्योंकि ए और बी फाइव होंगे तो ही तो यूनियन में कुछ नहीं आया है ना। क्लियर? इट मीन्स कि अगर यूनियन फाइव है तो अल्टीमेटली ए और बी भी क्या होने वाले हैं, हमारे फाइव ही होने वाले हैं। और लास्ट वन है कि ए इंटरसेक्ट बी जो होता है वो ए या तो फिर बी का सबसेट होता है, और ए और बी जितने इवेंट्स होती है वो किसका सबसेट होता है, ए यूनियन बी। इट मीन्स कि अगर हमें रैंकिंग देना है तो सबसे छोटा होता है इंटरसेक्शन, फिर होता है कोई इवेंट यानी कि ए और बी, या तो फिर कोई सेट्स, और सबसे बड़ा कौन सा होता है, यूनियन, इन तीनों के कंपैरिजन में। हाँ, सिर्फ या तो फिर सबसे, अदरवाइज अगर ओरिजिनली हम लोग लेंगे जनरली तो सबसे बड़ा क्या होता है हमारा, यूनिवर्सल सेट यू होता है। क्लियर? लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन में ये सबसे छोटा होता है, फिर देन आफ्टर ए या तो फिर बी होता है, और फिर होता है ए यूनियन बी। तो ये हो गए हमारे यूनियन की प्रॉपर्टीज़ और उसकी डेफिनेशन। आइए इलस्ट्रेशन देखते ताकि थोड़ा ज़्यादा और आइडिया क्लियर हो जाए। फर्स्ट वन हमारे पास अगेन ये कौन से फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। इट मींस कि हम लोगों को उसको बाइफर्गेट करना पड़ेगा कि कौन से सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स जाएंगे। तो फर्स्ट वन हमें दिया है कि एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स स्क्वायर लेस देन टेन। हमें ऐसे वैल्यू कंसिडर करने हैं एक्स के लिए जिसका स्क्वायर करो तो हमें कितना नंबर मिलना चाहिए, टेन से कम मिलना चाहिए। क्लियर? तो ए के अंदर आप देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। वन का स्क्वायर गाइस कितना होता है, वन, लेस देन टेन, यस चलेगा। टू का स्क्वायर गाइस कितना होता है, फोर, लेस देन टेन, यस चलेगा। थ्री का स्क्वायर गाइस कितना होता है, नाइन, इट मीन्स यस लेस देन टेन चलेगा। फोर, फोर का स्क्वायर होता है गाइस 16, और 16 दस से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इट मीन्स कि हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर सकते। इट मीन्स कि ए हमारा क्या हो जाएगा, वन, टू एंड थ्री। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन करते हैं बी के लिए। अगेन x बिलोंग्स टू n है और x लेस देन और इक्वल टू 1 है, और नेचुरल नंबर हमारा शुरू कहाँ से होता है गाइज, 1 से। इट मीन्स कि b के अंदर सिर्फ कितने एलिमेंट्स होने वाला है, 1। क्लियर? c के लिए देखते हैं कि x बिलोंग्स टू n है, हमें लेना है 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। इट मीन्स कि हमारे यहाँ में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। 5 को तो ले नहीं सकते क्योंकि सिर्फ लेस देन है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, तो कि a यूनियन b फाइंड करना है। तो a यूनियन b इज इक्वल टू क्या होगा, ए और बी में सब में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे लेने हैं विदाउट रिपीटेशन। क्लियर? ए और बी में देखो, ए एंड बी वन वन टू टाइम है, लेकिन हम लोग सिर्फ लिखेंगे वन टाइम, फिर है टू एंड थ्री। क्लियर? तो ये हो गया ए यूनियन बी। फिर हमें फाइंड करना है बी यूनियन सी।
बी और सी में देखो क्या हो जाएगा हमारा, 1, 2, 3 and 4, क्लियर? 1, 2 टाइम है लेकिन हम लोग 1 टाइम ही लिखेंगे। फिर फाइंड करना है सी यूनियन ए। सी और ए में देखो हमारे कौन कौन से एलिमेंट कंसिडर होंगे, 1, 2, 3 and 4, क्लियर? नेक्स्ट वन हमें और वेरीफाई भी करना है कि ए यूनियन बी का एसोसिएशन सी के साथ और ए यूनियन बी यूनियन सी के एसोसिएशन के साथ कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ए यूनियन बी अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया, कितना है हमारा 1, 2 and 3। सी का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, कितना है 1, 2, 3 and 4, सेम एज इट इज़। राइट हैंड साइड के लिए करते, ए हमारा कितना है गाइस देख सकते हो 1, 2 and 3। यूनियन बी यूनियन सी अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया, कितना है हमारा 1, 2, 3, 4, यानी कि 1, 2, 3 and 4, क्लियर? अब आप देखो बीच में साइन यहाँ पे यूनियन का है, यहाँ पे भी यूनियन का है, इट मीन्स कि दोनों में से सारे एलिमेंट लेने हैं विदाउट रिपीटेशन। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3 and 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1, 2, 3 and 4, इट मीन्स कि यू कैन सी कि हमारा LHS और RHS क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, क्लियर? नेक्स्ट वन इलस्ट्रेशन देखते हैं कि वेरीफाई दैट ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे ए और बी का एसोसिएशन है सी के साथ, यहाँ पे ए का एसोसिएशन बी यूनियन सी के साथ है, हमें विद द हेल्प ऑफ अ वैन डायग्राम ये प्रूफ करना है, क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये करते हैं कि ए यूनियन बी, इट मीन्स कि ए पूरा सर्कल बी पूरा सर्कल लेकिन विदाउट रिपीटेशन, इट मीन्स कि हमारा ये वाला एरिया इतना कवर होने वाला है ए यूनियन बी के लिए, क्लियर? फिर नेक्स्ट वन हमें कंसीडर करना है सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू हमारा कितना होगा, सी का जो पूरा सर्कल है वो वाला होगा, क्लियर? इट मीन्स कि ये हो गया। अब ये हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया, यहाँ पे सेम एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं, हमारा पहले लेना है ए, इट मीन्स ए हमारा इतना हो जाएगा पूरा सर्कल जो ए का है वो। फिर हमें डिस्क्राइब करना है कि बी यूनियन सी, इट मीन्स कि बी और सी का जितना भी वैल्यूज है वो सब विदाउट रिपीटेशन, यानी कि ये पूरा आ जाएगा, क्लियर? अब आप देख सकते हो गाइस कि हमें इन दोनों को क्या कंसिडर करना है, यूनियन कंसिडर करना है, और यूनियन का मतलब गाइस क्या होगा कि जितना वैल्यूज है वो सब विदाउट रिपीटेशन, इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यूज है वो कितना होगा, जितना भी टोटल शेडेड एरिया है वो। तो हमें पहले तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हमारा ए यूनियन बी क्या है जो हम लोगों ने ऐसे लाइन किए है वो, सी हमारा क्या है ये लाइन है वो, और जो हमारा ए यूनियन बी और यूनियन सी है वो कितना होगा, तो कि टोटल शेडेड एरिया है वो, क्लियर? सेम एज इट इज इसके लिए भी दिखा देते हैं, तो कि ए हमारा है ये जो ग्रीन कलर्स की लाइन हम लोगों ने दिखाया है वो, बी यूनियन सी हमारा है ये हम लोगों ने पर्पल कलर की लाइन दिखाया है वो, एंड सेम एज इट इज ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा कितना होने वाला है, तो कि टोटल शेडेड एरिया है वो सब कुछ। इट मीन्स कि आप देख सकते हो कि इसमें भी टोटल शेडेड एरिया सारा सेम है इसके कंपैरिजन में, क्लियर? तो ये हमारा विद द हेल्प ऑफ वैन डायग्राम प्रूफ होता है कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यूनियन का वो हमारा फुलफिल होता है।